सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक रिंग के बारे में देखते हैं, रिंग का क्या डिफिनेशन है। मॉडल अलजेब्रा का एक टॉपिक है रिंग, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग आर एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। आर जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और इसके साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। दो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग एक प्लस ले रहे हैं और एक डॉट से डिनोट कर रहे हैं। प्लस से और डॉट से दो बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहे हैं। ये आर सेट में डिफाइंड है। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं आर प्लस डॉट, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना लिए। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए और नॉन एम्प्टी सेट के साथ में एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन को लिख दीजिए, तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। ये दो बाइनरी ऑपरेशन ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और डॉट से डिनोट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये प्लस और डॉट हो, प्लस और डॉट हो भी सकता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हो भी सकता है, या कोई भी दूसरा बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। अगर बाइनरी ऑपरेशन आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, उस वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं। तो प्लस और डॉट ये जरूरी नहीं है कि ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हो भी सकता है या कोई दूसरा बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है जिसको हम लोग प्लस से डिनोट कर रहे हैं और डॉट से। तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग लिए हुए हैं। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसी को हम लोग रिंग कहेंगे। तो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन है आर प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में आर जो सेट है इज एन अबेलियन ग्रुप, ये एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन होगा आर डॉट, आर जो सेट है वो डॉट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इज ए सेमी ग्रुप, ये एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? ये दो बाइनरी ऑपरेशन जो है उसके रिस्पेक्ट में यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, ये तीसरा कंडीशन। मैं तीनों कंडीशन के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, जो आर सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए कौन कौन सा कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी अगर हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, किसका लेना है? आर का लेना है, तो इंप्लाइज ए प्लस बी भी आर का मेंबर होना चाहिए। ए और बी अगर कोई भी आर का मेंबर ले लेते हैं तो दोनों का सम भी आर का मेंबर होना चाहिए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखते हैं, सी को बाद में लिखते हैं, या फिर ए और बी प्लस सी को एक ब्रैकेट में रखिए, दोनों इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू आर। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। एक एलिमेंट जीरो मिलना चाहिए आर में, और ऐसा मिलना चाहिए ताकि वो किसी के साथ भी ऐड करे, कोई भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट हो जाए ए प्लस जीरो बराबर ए, या फिर जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो देन दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा ये जीरो एक नंबर को डिनोट नहीं कर रहा है, बल्कि आर का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। जीरो से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो, ये कोई भी दूसरा मेंबर हो सकता है, और ऐसा होना चाहिए ताकि इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर हम लोग कंपोजिट करेंगे ए के साथ में जीरो को, तो वो ए के बराबर ही होगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स।
इसमें क्या होता है कि फोर ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए आर का मेंबर है तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। इसका मतलब अगर ए में आप माइनस ए को ऐड कीजिए तो भी आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी, या माइनस ए में प्लस ए को ऐड करने पर भी आइडेंटिटी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये पांच फाइव कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहला तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में, सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप में दो कंडीशन होता है, सेमी ग्रुप में दो कंडीशन कौन कौन सा है, सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए, मीन्स ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी आर का हम लोग दो मेंबर लेते हैं ए बी, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी आर का मेंबर होना चाहिए। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अगर ए और बी को आप ब्रैकेट में रखिए या बी और सी को ब्रैकेट में रखिए, दोनों इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग कहते हैं ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर जो है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए, यानी वहां दो कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। रिंग का कोई भी हम लोग तीन मेंबर लेते हैं तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन, यानी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया, राइट साइड से भी कर सकते हैं। तो राइट साइड में अगर ये रहे तो वो भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फ्रेंड्स कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है जिसमें हम लोग दो बाइनरी ऑपरेशन लिए हुए आर एक नॉन एम्प्टी सेट उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम लोग रिंग कहेंगे अगर वो ये इतने सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब कितना कंडीशन है, आर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें से फाइव कंडीशंस। आर सेमी ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसमें से टू कंडीशंस, तो फाइव प्लस टू सेवन कंडीशंस। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें से वन कंडीशंस है, तो सेवन हो गया पहले और ये वन एट। अगर एट कंडीशन कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रिंग। तो बड़ा आसान है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि सबसे पहला आर प्लस अबेलियन ग्रुप, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, इसमें से फाइव कंडीशंस। फिर सेकेंड है आर डॉट सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए दो टू कंडीशंस। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये एक कंडीशन ये है। तो अगर टोटल एट कंडीशन कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिंग। तो अब इस रिंग में कुछ और कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो रिंग के बाद और भी कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसमें है रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी किसको कहेंगे, जरा इसको समझिए। इफ इन ए रिंग आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय वन, कोई भी रिंग में हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं ऐसा जो वन से डिनोट कर रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वन डॉट ए इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू ए डॉट वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट वन मिल जाए रिंग में तो उस रिंग को कहते, तो हम लोग आर को कहेंगे रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो जो बाकी पहले जो एट कंडीशंस पढ़े हैं, एट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए
उसके अलावा एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? कि वन बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और ऐसा होना चाहिए सच दैट ए डॉट वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन डॉट ए। तो हम लोग इस रिंग को कहते हैं रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो ये वन को कहते हैं, तो द एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर। वन में हम लोग वन जो ले रहे हैं रिंग में नंबर, तो इस वन को कहते हैं यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या है? इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन द रिंग आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। इसको हम लोग कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। रिंग में एक और कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा कंडीशन? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है रिंग आर, तो देन दैट रिंग इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। तो रिंग में से आठ कंडीशन जो था, एट कंडीशन, उसमें से हम लोग टू कंडीशन और अप्लाई कर दें, एक रिंग विथ यूनिटी का और एक कम्यूटेटिव रिंग का, टू कंडीशन और अप्लाई कर दें, तो उसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। उसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो इसके लिए कौन कौन सा कंडीशन हो जाएगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट के लिए? रिंग के लिए एट कंडीशन था, और यूनिट एलिमेंट के लिए वन कंडीशन हो गया, और कम्यूटेटिविटी के लिए, कम्यूटेटिव के लिए वन कंडीशन। तो टोटल टेन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट में, तो हम लोग उसको कहेंगे, उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल देखिए, आई सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसके साथ में हम लोग एडिशन, जो ऑर्डिनरी एडिशन होता है वही मैं ले रहा हूं, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब क्या ये रिंग है, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो कैसे? सबसे पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो मेंबर हम लोग अगर ए और बी इंटीजर्स का ले लें, कोई भी टू इंटीजर्स ले लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी वाला सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड है एसोसिएटिविटी एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है दैट इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन, हम लोग ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव होता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। थर्ड, यहां पर एक नंबर इंटीजर्स में होता है जीरो, ताकि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। जीरो को किसी के भी साथ ऐड करने पर, कोई भी इंटीजर के साथ ऐड करने पर वही इंटीजर होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी आई। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी हो रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जैसा आप जानते हैं टू अगर इंटीजर्स है तो माइनस टू भी एक इंटीजर्स हो जाए, और दोनों का सम जीरो के बराबर आ जाता है, या फिर माइनस टू प्लस टू ये दोनों का सम भी जीरो के इक्वल आता है। तो माइनस टू इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ टू। यानी कि यहां पर अगर ए कोई भी इंटीजर है तो उसके करिस्पॉन्डिंग माइनस ए भी आएगा, और दोनों का सम जीरो के बराबर, या माइनस ए में अगर आप ए ऐड कर दीजिए तो भी जीरो के बराबर आएगा। तो ए का जो इनवर्स है एडिटिव इनवर्स, वो माइनस ए आ गया। नेक्स्ट कम्यूटेटिविटी एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, कोई भी हम लोग टू इंटीजर्स लेते हैं तो टू इंटीजर्स का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो ये जो फाइव कंडीशंस हुआ उससे हम लोग कह सकते हैं कि आई प्लस इज अबेलियन ग्रुप। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो कंडीशन है। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा कि ए और बी अगर हम लोग कोई भी इंटीजर्स का, आई का कोई भी हम लोग दो मेंबर ले रहे हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी इंटीजर्स होता है। और नेक्स्ट है
एसोसिएटिव, तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इंटीजर्स का वो भी एसोसिएटिव होता है, ये पहले से हम लोग जानते हैं। ए डॉट बी डॉट सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। तो ये सेमी ग्रुप वाला जो कंडीशन था कि आई डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट है एट्थ कंडीशन में हम लोग अगर आते हैं तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या अगर बी प्लस सी डॉट अगर ये रखें तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। तो ये पहले से हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स का जो सेट होता है उसमें से मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये एट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इस कंडीशन को के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि i प्लस डॉट जो है वो एक रिंग हो जाएगा। अब इस रिंग में यूनिट एलिमेंट है या नहीं, हम लोग जानते हैं कि इंटीजर के सेट में वन होता है। नेक्स्ट मैं कंडीशन लिख रहा हूं, नाइन्थ कंडीशन, कि वन जो होता है वो इंटीजर के सेट में होता है, i में होता है, और सच दैट ऐसा होता है कि किसी को भी किसी भी इंटीजर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर होता है, या वन डॉट ए इज इक्वल टू बी ए होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। तो ये वन जो है वो यूनिट एलिमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट कम्यूटेटिविटी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये भी हम लोग पहले से जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम लोग आई सेट इंटीजर्स का लेते हैं और उसमें टू बाइनरी ऑपरेशन जो ऑर्डिनरी एडिशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, उसको लगाते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग टोटल 8 कंडीशंस को देख रहे हैं सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये रिंग हो गया। इसके अलावा एडिशनल 2 कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रहा है, यूनिट एलिमेंट वाला और मल्टीप्लिकेशन जो के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, आई प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। ये कम्यूटेटिव रिंग हो गया, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो ये एक कम्यूटेटिव रिंग हो गया विथ यूनिट एलिमेंट। तो इसके आधार पर आप और भी कुछ एग्जांपल बना सकते हैं। आर प्लस डॉट, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड वी टेक टू बाइनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कि दिस इज ऑल्सो ए रिंग। इफ वी टेक सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर क्यू एंड वी टेक टू बाइनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, देन दिस सेट इज ऑल्सो ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।